Hey guys, this is Rajdeep and Amazon Affiliate Marketing for Beginners in 2021 के another part में आप सबका स्वागत है। अगर आप Affiliate Marketing में interested हो, अगर आप Earn Money Online पे interested हो, तो आज का video आपके लिए बहुत ही special होने वाला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक Amazon Affiliate Marketing website या फिर जिसको Amazon Affiliate Store कहा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हो, तो Amazon Affiliate Marketing पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लोग सिर्फ Affiliate Marketing से हर महीने के 20-30 लाख से भी ज्यादा अर्निंग करते हैं। दोस्तों, Amazon Affiliate Marketing वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, ये सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे Amazon Affiliate Marketing के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि Affiliate Marketing क्या है। और अगर आप Affiliate Marketing में ज्वाइन करना चाहते हो Amazon में बिल्कुल फ्री में, तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे लिंक्स को शेयर करना चाहिए और भी बहुत सारी बातें जो बिगिनर्स को जानना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको पेमेंट प्रूफ, अर्निंग प्रूफ दिखाया था, पेमेंट मेथड्स एंड प्रोसेस के बारे में बताया था। और थर्ड वीडियो में मैंने आपको 12 पावरफुल मेथड्स के बारे में बताया था, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने Amazon Affiliate सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो 12 मेथड्स के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इस चैनल पे। Amazon Affiliate Marketing के ऊपर और भी वीडियोस आने वाले हैं और आगे है ये वीडियो, आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक एफिलिएट स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है सिखाऊंगा। Amazon Affiliate Marketing वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक होस्टिंग और डोमेन होना जरूरी है। होस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको hostinger.in को रिकमेंड करूंगा। फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन या सब डोमेन को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ब्लॉगर, टुम्बलर जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप ये काम करोगे, तो कभी भी आपका वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं करेगा। वहाँ पे बस आप मेहनत करोगे, 6 महीने 7 महीने हो जाएगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ और जितने भी बड़े बड़े नामी एफिलिएट मार्केटर्स है, कभी भी वो फ्री टूल्स के साथ नहीं जाते। होस्टिंगर पे अभी ऑफर चल रहा है, इनके अलग अलग प्लान्स है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको 3 प्लान्स देखने को मिल जाएगा। मैंने पर्सनली यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग का प्लान लेके रखा है, बट अगर आप बिगिनर हो तो सिंगल वेब होस्टिंग या बेस्ट होगा अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाते हो। सिंगल वेब होस्टिंग में सिर्फ आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, प्रीमियम वेब होस्टिंग या बिजनेस वेब होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सभी में आपको फ्री SSL मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम होस्टिंग लेते हो या बिजनेस होस्टिंग लेते हो, तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी इनका जो जो फीचर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो, कभी भी आपको फ्री अल्टरनेटिव के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जल्द से जल्द सक्सेस पाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल 2 साल आप मेहनत करोगे फिर जाके थोड़ा बहुत आपका सेल होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस में बनाते हो, तो 1-2 महीने के अंदर ही आप उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला पाओगे, अच्छा खासा सेल शुरू कर पाओगे। और यहां पे आप कैलकुलेट करके देख लेना, 1 महीने में या 2 महीने में आपका जितना अर्निंग होगा वो आपके पूरे साल भर का या 2 साल भर का होस्टिंग और डोमेन कॉस्ट को कवर कर देगा। अगर आप अर्निंग देखना चाहते हो, मैंने सिर्फ 5 महीने हुआ है एफिलिएट अर्निंग शुरू किया है, अगर आप मेरा अर्निंग देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार देख लीजिए, फिर जाके यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको फ्री अल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए या पेड अल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो होस्टिंगर के होस्टिंग प्लान्स के ऊपर आपको 60% तक डिस्काउंट मिल रहा है, बट यहां पे जो प्राइस शो हो रहा है, अगर आपको इस प्राइस के ऊपर भी थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए तो आप योर टेक्निकल ये वाला कूपन कोड चेकआउट करते वक्त अप्लाई कर सकते हो, प्राइस और कम हो जाएगा। होस्टिंगर अकाउंट में जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो करेगा। यहाँ पे एक और चीज आपको बताना है, होस्टिंगर पे अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपको सभी डोमेन्स में फ्री SSL मिलेगा। अगर आपका कोई डोमेन GoDaddy या किसी दूसरे वेबसाइट में है, उसको अगर आप होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर ट्यूटोरियल है चैनल पे, ये वाला थंबनेल आप देख सकते हो। अगर आप कनेक्ट करते हो तो आप इजीली उस डोमेन का एक फ्री लाइफ टाइम SSL यहां से ले सकते हो, फिर जाके आप डोमेन को फिर से जो यूज कर रहे थे वो कर सकते हो, या फिर होस्टिंगर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक फ्री SSL आपको लाइफ टाइम के लिए उस डोमेन के ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, यहाँ पे आपका होस्टिंग शो करेगा और नीचे आपके सारे डोमेन्स रहेंगे, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपका जो होस्टिंग रहेगा वहां पे साइड में ये मैनेज बटन है, इस मैनेज बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके सारे डोमेन्स शो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे डोमेन्स शो करेंगे। आपको यहाँ से उस डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है जिस डोमेन से आप अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हो, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट को। तो यहाँ पे मैं एक डोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर का एक ऑप्शन शो करेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। डोमेन नेम यहाँ पे आपका शो करेगा, उसके आगे प्रोटोकॉल रहेगा। प्रोटोकॉल को आप HTTP ही रहने दें, ये ऑटोमेटिक HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका SSL इंस्टॉल रहेगा तो, और होस्टिंगर पे आपको फ्री SSL मिल जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल को भी आप चेंज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मैं एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। वेबसाइट टाइटल जो आप अपने हिसाब से रखना चाहो वो रख सकते हो। लैंग्वेज यहाँ पे आप इंग्लिश ही रखने दे। यहाँ पे आप चाहो तो एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऑटोमेटिक एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये सब करने के बाद बस आपको यहाँ पे नीचे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका डोमेन नेम शो करेगा, जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो लोड हो जाएगा। अभी ये एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं है, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना होगा। इसके लिए यहाँ पे जो आपका ऊपर डोमेन नेम शो कर रहा है उसके बाद आपको एक स्लैश देके wp-admin ये टाइप करना है और एंटर पे प्रेस करना है। ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त, वो यूजर नेम और पासवर्ड देके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो मैं कर लेता हूँ। लॉगिन होते ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। अभी आपके होस्टिंग का जो एज पैनल है उसमें आपका कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम इस टैब को क्लोज कर देते हैं। अभी जितना भी कुछ काम है वो हमें इसी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में करना है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के साइड में हम अपने वेबसाइट को भी ओपन करके रखेंगे ताकि जो जो चेंज हम यहाँ पे करेंगे वो हमें यहाँ पे शो हो। यहाँ पे आप देखिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आपको साइड में यहाँ पे अपीयरेंस मिलेगा और अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स मिलेगा। थीम्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ थीम्स शो करेंगे। आपका वेबसाइट बिल्कुल वैसा ही देखने को होगा जैसा थीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो 2021 थीम है ये सिलेक्टेड है, ये एक्टिव है, इसीलिए वेबसाइट कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ये जो 2020 थीम है इसको अगर हम यहाँ पे एक्टिव करते हैं तो आप देखोगे आपका जो वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपकी वेबसाइट का लुक चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें थीम्स के ऊपर कस्टमाइजेशन करना है, थीम्स अलग सा सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर कुछ चेंजेस करने हैं और अपने वेबसाइट को अच्छा लुक देना है। साथ ही यहाँ पे हमें साइड में प्लगइन्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। प्लगइन्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होस्टिंगर के तरफ से कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल किया हुआ मिलता है। इनको आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, प्लगइन्स अच्छे हैं। और ये जो प्लगइन्स है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर का काम करता है। जैसे आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करने का पावर दे देते हैं, कुछ इन्हांसमेंट दे देते हैं, वैसे ही ये जो प्लगइन्स है ये आपके वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हैं। SEO के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं, साथ ही डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, सोशल शेयर के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं। मैं वो सब के बारे में आपको बताऊंगा, जो जो यहाँ पे जरूरी है वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपने वेबसाइट का थीम चेंज करेंगे, इसके लिए हम अपीयरेंस के अंदर थीम सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको एड न्यू का एक बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एस्ट्रा, ASTRA। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला वाला थीम एस्ट्रा आ गया है। यहाँ पे इंस्टॉल का एक बटन है, इंस्टॉल के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा फिर यहाँ पे एक्टिवेट का एक बटन आ जाएगा, आपको इस थीम को एक्टिवेट कर देना है। हियर यू कैन सी थीम इंस्टॉल हो गया है, अभी मैं इस थीम को एक्टिवेट कर रहा हूँ। थीम एक्टिवेट हो गया है। अभी यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन आपको दिखेगा, इस गेट स्टार्टेड के बटन पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको एक पेज बिल्डर सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप एलिमेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वेबसाइट के, क्योंकि हम एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं जो कि कुछ हद तक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही देखने को होता है। तो यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ई कॉमर्स को आपको सिलेक्ट करना है। जितने भी यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर के बने बनाए टेम्पलेट है वो आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनमें से आपको जो भी पसंद आए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ठीक से नोटिस करोगे तो माइक्रो नीच कैटेगरी के ऊपर बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक शू स्टोर करके टेम्पलेट देख सकते हो, इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब कोई एक बायर आपके किसी एक प्रोडक्ट पेज में आता है तो उसके नीचे अगर रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो तो वहाँ पे सेल के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो ये वाला थंबनेल है, आप चैनल के अंदर जाइए, इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट है, आप सभी टेम्पलेट को प्रिव्यू कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो टेम्पलेट है ऑर्गेनिक स्टोर का, ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप अपने अमेजोन एफिलिएट स्टोर को बनाते हो तो सेल भी बहुत अच्छा आएगा। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप फेसबुक में, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम में इजीली प्रमोट कर सकते हो। अगर आप अपने अमेजोन एफिलिएट स्टोर में 3-4 कैटेगरीज रखना चाहते हो तो यहाँ पे ये वाला जो टेम्पलेट है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट रख सकते हो। यहाँ पे जो ये फर्स्ट पेज है यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के इमेज बैकग्राउंड में लगा सकते हो और यहाँ पे शॉप नाउ का बटन या बाय नाउ का बटन यहाँ पे लगा सकते हो। मैं इसी टेम्पलेट को एक बार एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं। सभी टेम्पलेट में यहाँ पे आपको इंपोर्ट कंप्लीट साइट का एक बटन मिल जाएगा, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइट इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इंपोर्टेड सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखाई देगा और यहाँ पे व्यू साइट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने वेबसाइट को अभी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट का जो लुक है ये पूरा चेंज हो चुका है। अभी बस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स को चेंज करना है अपने हिसाब से और अपने अमेजोन एफिलिएट लिंक्स को लगाना है। तो वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एक बार मैं डैशबोर्ड को भी रिफ्रेश करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे प्लगइन यहाँ पे आ गए हैं। और अभी आपको एक बार थीम पे जाना है। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट करके रखा है। यहाँ पे बाकी जितने भी थीम्स हैं उन सभी थीम्स को मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा। किसी थीम को डिलीट करने के लिए आपको उस थीम के अंदर जाना होगा। यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको डिलीट का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है तो ये थीम डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी थीम्स को आप अभी यूज नहीं कर रहे हो उनको डिलीट कर देना। अभी प्रोडक्ट्स को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड है, यहाँ पे स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो वो सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। आपको सिंपली सबसे पहले तो इन सभी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे बल्क एक्शन पे मूव टू ट्रैश पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रोडक्ट्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे नीचे आपको क्रिएट प्रोडक्ट का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हो। तो प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको सबसे पहले तो अमेजोन में जाना होगा। अभी यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टी शर्ट को सर्च करता हूँ। ये वाला जो टी शर्ट है हमें मान लीजिए इसको लिस्ट करना है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ इसका एफिलिएट लिंक है या नहीं। हाँ इसका एफिलिएट लिंक है। सभी प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट कमीशन नहीं मिलता है इसलिए आप एक बार चेक कर लेना। ये जो यहाँ पे ऑप्शन आया है वो कैसे आया है जानने के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पहला वाला वीडियो था वो एक बार आपको चेक करना होगा। तो इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करेंगे, इसके लिए इसके जितने भी इमेजेस है हमें डाउनलोड करना होगा। इमेजेस को मैं ओपन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेजेस पे क्लिक करूंगा और इमेज को मैं सेव कर लूंगा। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद इस प्रोडक्ट का जो नाम रहेगा, टाइटल रहेगा, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आके प्रोडक्ट नेम पे इसको आपको पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के कुछ डिटेल्स आपको डालने होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रोडक्ट के डिटेल्स है, मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का आपको एक पोर्शन मिलेगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अभी प्रोडक्ट्स के इमेजेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
तो प्रोडक्ट गैलरी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं। अपलोड फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और जितने भी इमेजेस को मैंने यहाँ से डाउनलोड किए थे उन सभी इमेजेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा। सभी इमेज यहाँ पे अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे मैं क्लिक करूँगा और ये सभी इमेज यहाँ पे गैलरी पे ऐड हो जाएंगे। इनको मैं चाहूँ तो यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, जिस भी इमेज को मुझे एकदम पहले रखना है कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग करके उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको खुद से लिखना होगा। इस चैनल पे कंटेंट राइटिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, यहाँ पे आप जैसा डिस्क्रिप्शन लिखोगे जिस तरीके से एसईओ करोगे उसी हिसाब से आपका जो ये पोस्ट है जो पेज है ये रैंक होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्लगइन है जो जितना भी काम अभी तक हमने किया मैन्युअली किया उस काम को ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है जिससे कि आप इस पेज पे आओगे, यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके वेबसाइट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके जितने भी पोस्ट होंगे पेजेस होंगे वो उतना ज़्यादा रैंक नहीं करेगा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आप इस पोस्ट के डेटा को कॉपी कर रहे हो, अपने से कुछ भी यहाँ पे नहीं डाल रहे हो, एसईओ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको खुद से लिखना होगा जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करवाना चाहते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कंटेंट राइटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस मिलेंगे, उन वीडियोस को चेक कीजिए किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से एक आर्टिकल लिखना है आपको पता चल जाएगा और उसी हिसाब से आप जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे उस प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालिए। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है प्रोडक्ट डेटा पे। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सिंपली सिंपल प्रोडक्ट करके ये रहेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एफिलिएट लिंक ऐड करना है। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे एफिलिएट लिंक आ जाएगा, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको डाल देना है, रेगुलर प्राइस में आप अपने हिसाब से कुछ भी ज़्यादा प्राइस रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है इस प्रोडक्ट पे, बट जिन प्रोडक्ट पे डिस्काउंट रहता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे देखिए इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा बहुत कम डिस्काउंट है, 300 रुपया इसका रेगुलर प्राइस है और डिस्काउंट देके 299 रुपीस। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो रेगुलर प्राइस है 4999 ये रेगुलर प्राइस है और डिस्काउंट देके ये प्राइस है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे लिखना है और फिर अपने पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश कर देना है। यहाँ से आप किसी एक कैटेगरी में भी इसको रख सकते हो, जैसे कि ये जो टी शर्ट है ये मेन के लिए टी शर्ट है तो इसको मैं मेन कैटेगरी में रखता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। और अभी यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट इमेज भी देना होगा, इसको सेट करते हैं, अपडेट करते हैं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में साइड में जितना भी आपने कॉपी किया था वो सब आ रहा है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट का लिंक है, जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये अमेजोन पे रिडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरीके से और फिर वो अमेजोन से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, आपको अपना कमीशन मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर अमेजोन से। अगर वो कुछ और भी परचेज करता है जैसे कि यहाँ पे नीचे अगर कुछ और टी शर्ट उनको पसंद आ जाता है वो परचेज करता है उसका भी कमीशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको खुद से डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अमेजोन में बहुत सारे रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इन रिव्यूज़ को वहाँ पे कॉपी कर सकते हो। जैसे कि इनका नाम है दिवाकर कुमार, तो इनका रिव्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। किस तरीके से रिव्यूज़ को ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका जो रिव्यू है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रिव्यू डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू ऐड हो चुका है। अभी इस रिव्यू को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, कहाँ पे एडिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके लाओगे
तो यहाँ पे ये रिव्यू आपको शो होगा, एडिट पे क्लिक करोगे। अभी जिन्होंने भी ये रिव्यू अमेज़न पे डाला है उनका नाम है दिवाकर कुमार, या आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं नाम को, दिवाकर कुमार, और इसको अपडेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जिन्होंने अमेज़न पे ये रिव्यू डाला था वो रिव्यू यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। इस रिव्यूज़ एडिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम मिलता है जो आपको कुछ इस तरीके का काम देगा कि अमेज़न फ्लिपकार्ट से आप रिव्यू को कॉपी कीजिए हमारे वेबसाइट में। इसके ऊपर भी फ्रीलांसिंग में काम होता है, मैंने बता दिया इस वीडियो में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना, जो कि इस प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे शो होगा। जैसा आप यहाँ पे SEO करोगे अपने आर्टिकल में, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट रैंक करेगा, उतना ही ज़्यादा व्यूअर, उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस है ये डॉलर में है, इसको हमें इंडियन करेंसी में चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे WooCommerce में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे करेंसी का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे इंडियन रुपीज आपको सिलेक्ट करना है, सेव करना है। अभी आके यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे रुपी आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन ऊपर जो मेनूज है इनको भी एडिट करना है। यहाँ पे आप जिस हिसाब से अपना रखना चाहते हो प्रोडक्ट्स, उस हिसाब से यहाँ पे आप मेनूज को चेंज करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना होगा, अपीयरेंस में आपको मेनूज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप मेनूज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेन मेनू में अगर आप जाते हो तो मेन मेनू में जो जो कुछ भी यहाँ पे है वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि देखिए इस वेबसाइट के मेन मेनू में क्या क्या है, ऊपर होम, स्टोर, मेन, ओमेन, एसेसरीज, अकाउंट, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ से अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि ये जो मेन ओमेन कैटेगरी है इनको अगर मुझे डिलीट करना है तो इनको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। वोमेन को रिमूव किया, अभी मेन को भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। और ये अगर कुछ इस तरीके से आप ड्रैग करते हो तो ये सब आइटम सब मेनू बन जाएगा। तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। स्टोर के अंदर ये जो एसेसरीज है इसको मैं सब मेनू बना देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये मेनू चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने रिफ्रेश किया, ये चेंज हो गया है और स्टोर के अंदर यहाँ पे एसेसरीज आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको लोगो को चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज बटन जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आप इस पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लोगो को चेंज करना है तो इस लोगो के साइड में जो ये पेंसिल का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप हेडर के कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो पेंसिल का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिजाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो व्हाइट है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी कलर आप रखना चाहते हो वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि ये जो कलर है ये अगर हम यहाँ पे सेट कर देते तो यही रह जाएगा। अभी अगर लोगो हमें चेंज करना है, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिफरेंट लोगो फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, इसको हम ऑफ करेंगे। अभी बैक जाएंगे, यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ जाएगा, लोगो पे जाएंगे, चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्रॉप करने के लिए बोल रहा है। अभी एक्चुअली मेरे पास लोगो नहीं है बना बनाया, तो मैं इसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। और अभी यहाँ पे जो ये रेटिना लोगो है इसको भी यही रख देते हैं, चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोगो है ये चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर आप लोगो बना के रखे हो कुछ तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो और इस लोगो के साइज़ को आप यहां से चेंज कर सकते हो। अगर आप यहां पे लोगो नहीं देना चाहते तो सिंपली आप इसको यहां से रिमूव कीजिए और रिमूव करने के बाद यहां पे साइट टाइटल को आप इनेबल कीजिए।
तो आप अपने वेबसाइट का जो भी नाम रखोगे वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके साइड में कुछ टैगलाइन शो करवाना है तो यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हो। जब सब कुछ सही लगे तो यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। जो भी चेंजेस आप करोगे वो चेंजेस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना चाहता, तो ये जैसा था वैसा ही मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करके। अभी चलिए एक बार मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारा होम पेज कुछ इस तरीके का देखने को है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह या बटन वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अभी अगर आपको यहाँ पे इस बटन को चेंज करना है, यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बाय नाउ लिखना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे शॉप नाउ को हम बाय नाउ कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपका एफिलिएट लिंक लगाना है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम अमेज़न से किसी भी एक प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक ले लेते हैं ताकि कोई अगर इस बटन पे क्लिक करे तो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए। यहाँ पे ये जो फोटो है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इमेज लगा सकते हो और उस फोटो का या उस प्रोडक्ट का लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस लिंक को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे शॉप नाउ का जो बटन था वो अभी बाय नाउ का बटन हो गया है और कोई अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अमेज़न के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे होम पेज में अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी इमेजेस है आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। ये सब कुछ आप यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, साइट कस्टमाइजेशन के जितने भी बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिए। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। जो भी टेक्स्ट आपको डालना है डालिए, जहाँ पे जो भी बटन आपको डालना है डालिए, जितने भी प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से ऐड करना है कीजिए और अपना एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।